प्रदेश के हरदोई की संडीला स्टेशन के पास से लखनऊ एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने पिस्टल सप्लायर गिरोह के मुखिया समेत 5 पिस्टल सप्लायरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 23 पिस्टल 23 मैगजीन बरामद की गई है, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया। इसके बाद टीम ने संडीला कोतवाली में तस्करों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है, वहीं आगे की कार्यवाही की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में आजमगढ़ जिले का सौरभ यादव, केहर यादव, सदाम और गौरव मिश्रा, जबकि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के आकाश के रूप में इनकी पहचान हुई है। दरअसल यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम को अवैध असले के बड़े कारोबार की जानकारी मिली थी। पुलिस के मुताबिक आजमगढ़ जिले का सौरभ यादव अवैध शस्त्र कारोबार गिरोह का सरगना है और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की पहाड़ियों में इन अवैध पिस्टलों का निर्माण किया जाता है। यहां से बड़वानी जिले का रहने वाला करतार इन अवैध असलों की बिक्री करता है। पुलिस के मुताबिक आजमगढ़ जिले का अवैध असला गिरोह का सरगना सौरभ यादव हरदोई के संडीला स्टेशन पर इन असलों की खेप लेने साथियों के साथ यहां पहुंचा था। संडीला कोतवाली में लखनऊ एसटीएफ के उपनिरीक्षक मनोज कुमार पांडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बड़े पैमाने पर असले सप्लायर होने की सूचना मिली थी। इस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से टीम को कार्यवाही के लिए लगाया गया। सूचना के आधार पर टीम ने आजमगढ़ से रेकी करते हुए इन तस्करों का पीछा किया। मुखबिर की सूचना पर संडीला रेलवे स्टेशन के बाहर टीम ने घेराबंदी कर ली। वहीं मौके से करतार सिंह निवासी डडवानी मध्य प्रदेश मौके से फरार हो गया। इनके कब्जे से टीम ने 23 पिस्टल 32 बोर की और 23 मैगजीन बरामद की है। टीम के मुताबिक सरगना सौरभ मध्य प्रदेश से 5,000 में खरीदा था, उसके बाद करतार सिंह को 12,000 में बेच देता था। इसके बाद यहां से 25,000 में बिक्री की जाती थी, जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कारोबार चल रहा था। ये एसटीएफ की टीम के द्वारा कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके थाना संडीला, जो जनपद का थाना है, वहां उस क्षेत्र में उनके द्वारा कार्रवाई की गई है और कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है और उनके कब्जे से 23 पिस्टल्स और 23 मैगजीन्स बरामद की गई हैं। जो पूछताछ से प्रथम दृष्टया पता चला है उसे ये मध्य प्रदेश का गैंग है जो यहाँ पिस्टल सप्लाई करता था। हमारी टीम और उनकी टीम के द्वारा यही पूछताछ और जानकारी की जा रही है कि उनके द्वारा पिस्टल किनको सप्लाई किए गए और किस पर्पज़ से सप्लाई किए गए और उनकी रिकवरी के भी और भी बाकी जहाँ उन्होंने बेचा उसकी रिकवरी का प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें फर्दर जो भी कार्रवाई विधि होंगी उसको कराया जा रहा है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है और 5 लोगों की गिरफ्तारी की। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कंबोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700 7082093700 9468227222 7027551000 9050110009 JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।